साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी के मई 2022 में मुबैना अगवा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी काबीना अदालत हुक्म पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वो गिरफ्तारी खिलाफ कानून थी। सेक्रेटरी काबीना ने बताया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी में प्रोसीजरल गलतियाँ थीं। मजीद समाअत 3 अप्रैल को होगी। मजीद बात कर लेते हैं उस्मान भट्ट से। उस्मान बताएगा समाअत का अहवाल। डॉक्टर शीरी मजारी के मई 2022 में मुबैना अगवा के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो समाअत की। सेक्रेटरी काबीना अदालती हुक्म पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश हुए और जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वो गिरफ्तारी खिलाफ कानून थी, जिस पर कहा गया कि नवंबर 2022 में ये रिपोर्ट आई थी। सेक्रेटरी काबीना रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी में कुछ प्रोसीजर जो है वो गलतियां थीं। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट काबीना के सामने पेश करने का हुक्म दिया था। शीरी मजारी को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया था। जो शीरी मजारी के वकील हैं उन्होंने ये मौकफ अपनाया कि ये कोई सीक्रेट दस्तावेज नहीं बल्कि सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस पर कहा। ठीक है उस्मान भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया।